राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भले ही टोंक में बीजेपी कांग्रेस से हार गई हो, लेकिन सड़कों पर आज भी झंडे बीजेपी के ज्यादा हैं। चाहे प्रदर्शन हो, रैली या कोई बवाल, पायलट के गढ़ में बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। मकसद है टोंक में सचिन पायलट के दबदबे को कम करना। 13 अगस्त को एक बार फिर यहाँ ऐसा ही एक नजारा दिखा। मौका था 15 अगस्त से पहले तिरंगा यात्रा निकालने का, और इसकी कमान संभाल रहे थे टोंक में सचिन पायलट से कई बार हार चुके अजीत सिंह मेहता। अब भले ही अजीत मेहता पायलट के सामने बार बार हार रहे हों, लेकिन पार्टी का काम है तो करना ही है। 15 अगस्त के दौरान भारतीय जनता पार्टी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालती है, और टोंक में यही काम कर रहे थे पूर्व विधायक और बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार से लेकर देशभक्ति तक तमाम बातें कही, और बड़ी बात ये कि 17 अगस्त को टोंक में बाजार बंद रखने का ऐलान है। जी हाँ, बांग्लादेश में हो रहे बवाल और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ 17 अगस्त को टोंक बंद रखने का आह्वान किया गया है। अजीत मेहता ने कहा कि ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, और उन्होंने अपील की है कि टोंक के सारे हिंदू इस कार्यक्रम में शामिल हों। ये बड़ी रैली का आयोजन हुआ है, किस तरीके की रैली है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर घर तिरंगा लगे, इसके लिए देश के राजभक्तों से आह्वान करा था, और आज उसी के तहत एक भव्य तिरंगा रैली हमारी अपेक्षा से भी बड़ी संख्या में राजभक्त इस तिरंगा रैली को सफल बनाने के लिए आज टोंक की इस पावन धरा पर आकर इस भव्य तिरंगा यात्रा को सफल बनाने का काम करा है। और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी ने हर घर पे तिरंगा लगे इसकी सुनिश्चित किया है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हर वार्ड में, गली में, मोहल्ले में, पंचायत पे, पंचायत के द्वारा भी तिरंगे बंटवाए जा रहे हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि हर घर पे तिरंगा लगे, जो हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, हमारा चिन्ह है, हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है, वो हर घर पे तिरंगा 13 से 15 के बीच में घर घर तिरंगा लगे, ऐसा मैं सभी राजभक्तों से आज आह्वान कर रहा हूँ। बांग्लादेश में जिस तरह का सनातनियों के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, दिल दहल गया, जिस तरह के वीडियो देखने को मिल रहे हैं, बहन बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों के अंदर जाके लूटपाट की जा रही है, 200 से ज्यादा सनातनियों की हत्या कर दी गई है, 600 से ज्यादा थाने बंद हैं, ऐसे अराजक वातावरण के अंदर वो हिंदुस्तान जिसने बांग्लादेश को आजादी दी थी वो भूलना नहीं चाहिए। हमारी सरकार चिंतित है, हमारा देश का हर व्यक्ति, हर राष्ट्रवादी व्यक्ति परेशान है। टोंक के अंदर भी राजभक्तों ने तय कराया कि 17 तारीख को 9 बजे भूतेश्वर महादेव के मंदिर से सनातन आक्रोश रैली का आह्वान करा, और उस आक्रोश रैली के माध्यम से हम बांग्लादेश की सरकार को ज्ञापन देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आपकी चिंता है, लेकिन हमारा आक्रोश भी वहां तक पहुंचना चाहिए, हमारे भाइयों के समर्थन में, उनके साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमारा टोंक का पूरा सनातनी समाज उस दिन आक्रोश रैली के रूप में वहां पर भूतेश्वर मंदिर 9 बजे पहुंचेगा। व्यापारियों से भी आह्वान करता हूं कि 9 बजे से 12 बजे के बीच में अपना व्यापार को बंद कर इस आक्रोश रैली का समर्थन करें।